थ्री वाई बराबर 11, तो x माइनस 4y बराबर माइनस 24 का हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है, इसको निकलना है। अब चलेंगे कि 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 समीकरण 2। अब इसमें चिन्ह परिवर्तन हम लोग करेंगे, माइनस हो जाएगा माइनस है, प्लस हो जाएगा माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो गया। 4 और 3 कितना हो गया 7y, ये कितना हो जाएगा, तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 35 बाई कितना 7, 7 बचे 35, y बराबर 5। अब y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो देखिएगा समीकरण एक का वैल्यू है 2x प्लस 3y बराबर कितना 11, तो 2x प्लस 3y का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमारा 5 आ गया, 11 हो गया, यानी 2x प्लस कितना 15 बराबर 11। अब चलेंगे इसमें तो 2x बराबर हो जाएगा 11, अब इस तरफ मान भेजेंगे तो इसमें प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस में, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 4, तो x बराबर माइनस 4 बाई 2, दो दो निकल 4, x बराबर माइनस 2। अब जबकि y बराबर दे दिया है, इसीलिए कह रहा है, इसीलिए y बराबर कितना दिया है mx प्लस 3, तो y बराबर m गुने x का वैल्यू कितना लाए हैं माइनस 2, y का वैल्यू इसमें भी डाल दिया जाए, y का वैल्यू कितना है 5 प्लस 3, तो 5 बराबर माइनस 2m प्लस 3, तो माइनस 2m, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, तो 3 माइनस 5 यानी 2m बराबर कितना माइनस 2, इसको काट दीजिए यानी m बराबर कितना माइनस 1, इसीलिए m बराबर माइनस 1 यही हो गया आंसर।